मैडम, हमारे चारों तरफ मोर्चे और मजार पर हमारे जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जो सरोजिनी नगर मार्केट है, जो कि बहुत फेमस है, हमेशा से त्यौहार हो चाहे बिना त्यौहार के भी यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन जो त्यौहार को लेकर के सुरक्षा के इंतज़ाम हैं, क्या कुछ किए गए हैं, तो अभी उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मैं अमन शर्मा हूँ, BIPS का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ चारों तरफ हमारे SHO साहब, ACP साहब और DCP साहब रोज मुआयना करते हैं सुरक्षा में कोई कमी ना हो। 78 CC कैमरे हैं, 44 और लगने जा रहे हैं, 750 कैमरा सभी दुकानदारों का है। सबसे बोले लाभारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, 2 साल बाद लौटी है जिंदगी पटरी पे, पर अभी ओमिक्रॉन कोरोना ख़त्म नहीं है। हम कहते हैं सावधानी रखिए और अपना व्यापार भी करें। पहले से और अब में व्यापार में भी बहुत अंतर है, बहुत अच्छा है, व्यापारी बहुत खुश हैं, हर व्यापारी के चेहरे पर रौनक है। आज धनतेरस का दिन है, क्योंकि आज धनतेरस को भी सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, आ रहे हैं। सर, एक बात कहना चाहूँगी, अभी मैंने इन्हीं लोगों से जो है बात की, दुकानदारों से, पटरी वालों से भी हो चाहे ऊंची दुकान वाले हो, वो तो रो रहे हैं कि महंगाई बहुत है, मार्केट में लोग और क्राउड है लेकिन खरीदारी नहीं है। देखो, महंगाई मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा, आपने देश के लिए सारे अच्छे काम करे, हर चीज़ का अच्छा काम है, एक महंगाई कम कर दो और बेरोजगारी दूर कर दो, जो सबके लिए अच्छा रहेगा। महंगाई है पर क्या करें, धनतेरस का दिन है, जो लोटा 100 रुपये का था आज 260 रुपये का हो गया। महंगाई को रोक नहीं है, महंगाई पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी, वो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनाए जो सभी व्यापारी भी खुश रहें, लेने वाले भी खुश रहें। चारों तरफ आप देख रहे होंगे महिला सुरक्षा का भी एक अलग हटके अनोखा तरीका है। हमारी दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजाम? हमारे दिल्ली पुलिस की महिलाएं जो दिल्ली पुलिस की हैं, वो सिविल में भी हैं और वर्दी में भी हैं। सबको बोला है लाभारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, आओ हम सब मिलकर प्रशासन की मदद करें, जो सबके लिए दिवाली मंगलमय हो और सबकी सुरक्षा है, हर नागरिक सुरक्षित है। और इन आतंकवादियों की धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, देश से आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, उसकी जड़ें जला के राख करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने CCTV की बात की, तो लगभग कितना CCTV लगा होगा? देखो, 78 CC कैमरे हैं दिल्ली पुलिस के, 750 कैमरा सभी दुकानदारों का है और 44 CC कैमरे और लगने जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। NDMC के कैमरे काम कर रहे हैं, NDMC सहयोग कर रही है, दिल्ली पुलिस सहयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस के इस वक्त हमारे 65 जवान होंगे जो DCP साहब ने सिविल में घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि हम सबसे बोलते हैं लाभारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, आओ हम सब मिलकर प्रशासन की मदद करें और सुरक्षा सबके लिए और दिवाली मंगलमय हो। बिन पटाखों के दिवाली है, क्योंकि पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है, लाखों करोड़ों की बर्बादी होती है। आज हम सब बिन पटाखों के दिवाली मना रहे हैं और दिवाली सबके लिए मंगलमय हो, सारे देशवासी साथ हैं, हर आदमी खुश है, सबके लिए दिवाली और धनतेरस मंगलमय हो। चलिए, अभी जो है पुख्ता इंतजाम किस तरीके के हैं यहाँ पर मार्केट को लेके और भी चीज़ों को लेके? सर, यहाँ पर जो ये मार्केट हमेशा से ही लगती आती है, हमेशा भीड़ आती है, क्राउड आता है, त्यौहार है, तो कैसे पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर? मैडम, हमारे चारों तरफ मोर्चे और मजार पर हमारे जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे मार्केट की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। अच्छा, अभी जो बताया कि CCTV, तो आप लोगों पे आरोप लगता है कि CCTV लगे तो होते हैं लेकिन वर्क नहीं करते हैं? नहीं, हमारे CCTV सामने लगे हुए हैं, आप देखिए उधर पूरी तरह से काम सामने, सामने एक CCTV तो नजर आ गया है, अब ये वर्क कर रहा है सर? पूरा काम कर रहे हैं, एकदम चालू है सब। अच्छा, और भी आरोप लगते आए कि आप पुख्ता इंतजाम नहीं रहते, अगर ऐसा रहता तो ऐसे नहीं होता, ऐसा रहता तो ये नहीं होता, तो उस सबसे कैसे बचेंगे? नहीं, हमारी सुरक्षा के चारों तरफ पूरे पुख्ता इंतजाम है, कोई भी किसी तरफ की कमी नहीं है, महिला पुलिस हमारे साथ हैं, हमारे आधुनिक कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, तो ये थे पुख्ता इंतजाम जिसके लिए निपटने के लिए ये पूरे हथियारों के साथ लैस हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए, तो महिला सुरक्षा के लिए भी जो है सिविल ड्रेसेस में और अदर ड्रेसेस में भी लोग महिला
के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जैसा कि अभी सर ने बताया। तो मैम क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल सुशीला। हाँ, महिलाओं को लेकर यहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम किया गया है या फिर और भी जगह पर रहते हैं? सभी जगह, हाँ हर जगह पूरा व्यवस्था रखा, पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हर टाइम महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम रहते हैं या फिर त्योहार को लेकर अभी हुआ है? हर टाइम रहता है सरोजनगर मार्केट में, जब से 2005 के बाद में हर बार रहता है, हमेशा पुलिस की लेडी पुलिस भी रहती है, हमेशा बूथ में भी, यहाँ भी फोन टू पे भी रहते हैं। और जो सीसीटीवी की अभी सर ने बात की है, तो सीसीटीवी हर जगह पे लगे हुए हैं, जगह पे सीसीटीवी वर्क भी कर रहे हैं, वर्क भी सभी वर्क कर रहे हैं। लेकिन काफी सुनने में आया, काफी ऐसे खबरें मिलती हैं, काफी आरोप भी लगते हैं कि सीसीटीवी जो है लगे रहते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी आज के दिन सभी चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन चालू है, वैसे दिन वैसे भी रहते हैं, हमेशा चालू रहते हैं, फिलहाल सभी चालू है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं सुरक्षा के लिए तो कौन ऑब्जेक्शन, हर जगह ऑब्जेक्शन उठता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सभी चालू है। महिलाओं को लेकर कैसे इंतजाम है? हर तरह पे लेडीज पुलिस लगा रखी है और बीच में चेकिंग भी लगा रखी है और सिविल में भी स्टाफ है, कोई चोरी वगैरह ज्यादा ना हो, पर स्नैचिंग नहीं करें। हर जगह। क्या नाम है मैम आपका? हेड कांस्टेबल रीना। तो दिवाली तो है, आप लोगों की यहाँ पर जो है चौकसी बंदी कर रखी है, तो दिवाली मनाएंगे आप लोग भी, महंगाई है, आप लोगों से भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी महंगाई वगैरह नहीं है, अच्छा है। हाँ, हमेशा ऐसे चलता रहता है। मगर आम जनता तो बहुत दुखी है मैम। मैम ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस तो हमेशा पब्लिक की सुरक्षा में रहती है। महंगाई से आम जनता दुखी है? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। कई बार आप पे आरोप भी लगते हैं कि पुलिस साथ नहीं देती, दिल्ली पुलिस हर जगह लगते हैं आरोप, तो किसी भी पार्टी के आरोप, काम भी इस तरीके से नहीं हो पाता है कई बार। क्यों नहीं हो पाता? हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, खूब हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे, हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं 24 घंटे, कभी भी कोई। तो सुरक्षा के जो यहाँ पर इंतजाम है वो काफी पुख्ता किए गए हैं, सीसीटीवीज हो, चाहे सीआईएफ के जवान लगे हो, चाहे यहाँ पर सिविल ड्रेसेस में महिला पुलिस हो, महिला कांस्टेबल हो, वो लगातार यहाँ पर पहरेदारी दे रही हैं। उनका कहना है कि भाई ये त्योहार के दिन ही नहीं, वैसे भी पुख्ता इंतजाम रहते हैं और सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं और हथियारों के साथ ये हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जिस तरीके के इंतजाम बताए गए हैं और सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं कि नहीं, अभी इनकी जुबानी हमने सुना है। बाकी तो बात तो हर कोई करता है कि सीसीटीवी लगे होते हैं हर जगह पर, लेकिन कई बार सीसीटीवी काम नहीं करते हैं। तो यही सब इंतजाम के साथ यहाँ पर किया गया है। और त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, क्योंकि त्यौहार है लेकिन यहाँ पे क्राउड है, महंगाई से कोई जूझ रहा है, कोई नहीं जूझ रहा है, किसी के लिए ये दिवाली खूब अच्छी है और किसी का दिवाला निकल चुका है। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली।